तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजपीति रसोई में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी जो है मसाला अरबी। दोस्तों मसाला अरबी इस तरीके से बना के खाएंगे तो आपको बहुत स्वाद आएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मसाला अरबी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में ले लिया है 2 चमचा तेल। आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं या सरसों का तेल भी ले सकते हैं। इसमें 2 प्याज और कुछ खड़े मसाले में हमने खड़ी लाल मिर्च और तेज पत्ते लौंग डाल दिए हैं। दोस्तों हम इसे दिखाना भूल गए थे, उसके लिए क्षमा करें। इनको सभी मसालों को और प्याज को आपस में फ्राई कर लेंगे तेल के अंदर करीबन 1 मिनट। जब ये फ्राई हो जाए तो हमने 3 टमाटर चॉप कर लिए हैं, इनको भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से इसको भी फ्राई कर लेंगे जब तक कि हमारे टमाटर गल ना जाएं। हमारे टमाटर गल जाने के बाद दोस्तों हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे या 1 चम्मच नमक डालेंगे। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। इन सभी मसालों को दोस्तों हल्की फ्लेम कर हम अच्छी तरीके से करीबन 1-1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे मसाले अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। इसी तरीके से जब हमारे मसाले थोड़े भून जाएं तो इस टाइम पर हम इसमें 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद हम इसको भी सभी मसाले के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे। गैस की फ्लेम दोस्तों याद रहे कम ही रखें, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। हमें अपने मसालों को बिल्कुल जलने नहीं देना है, हमारे मसाले ना जले इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अपने मसालों के साथ। अब हमारे मसाले अच्छी तरीके से भून रहे हैं, हमारा पानी जल जाए और प्याज टमाटर सॉफ्ट हो जाए इसलिए हम ढक्कन को ढक देंगे करीबन 1 मिनट के लिए और अपने मसाले को अच्छी तरीके से भुन जाने देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा 1 मिनट के बाद हमारा मसाला बनकर तैयार है सब्जी के लिए। अब इसमें हम करीबन हमने 1/2 किलो अरबी ले ली थी उसको ऐड कर देंगे। उससे पहले अपनी प्याज को थोड़ा सा मैश कर लेंगे, ज़्यादा इसको घोटेंगे नहीं। ये देखिए दोस्तों ये अरबी इसमें ऐड कर देंगे अब हम, और अरबी को भी अच्छी तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। करीबन 2-3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही भूनेंगे मसाले के साथ ताकि हमारी अरबी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए मसाले के साथ। ये देखिए दोस्तों और अरबी अपना ही पानी छोड़ देगी इसके अंदर। इसको ढक के रख देंगे करीबन 2-3 मिनट के लिए। ये देखिए दोस्तों अरबी ने पानी छोड़ दिया है और हल्की हमारी अरबी जो है पक गई है, पर अभी थोड़ी कच्ची है। इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी अरबी जो है जले ना। ये देखिए दोस्तों करीब हमने इसमें 1/2 गिलास पानी ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर देंगे पानी को, और इसको करीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको ढक के रख देंगे। ये देखिए दोस्तों हमने ढक के रख दिया करीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हमारी अरबी हम खोल के देखते हैं तो देखिए हमारी अरबी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है और पानी करीबन जल चुका है। इसमें हम कलर ऐड करेंगे दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि कलर का जो है इसमें रंग बहुत अच्छा आता है। इसमें हमने रेड फ्रूट कलर ले लिया है और इसी से ही देखने में बहुत अच्छी लगती है अरबी, और देखने में अच्छी लगेगी तो खाने में भी अच्छी लगेगी, इसलिए हम कलर डालेंगे इसमें और इसको कलर को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम इसमें। इसको अच्छी तरीके से हम हल्के हाथों से चला लेंगे और अरबी को थोड़ा थोड़ा ऐसे चमचे से घोट लेंगे ताकि इसमें अच्छी तरीके से अरबी मसाले में मिल जाए। ये देखिए दोस्तों अपनी अरबी को अच्छी तरीके से भून लेंगे, हमारा पानी भी करीबन जल चुका है। ये देखिए दोस्तों और कितना अच्छा इसमें कलर आ चुका है। इसको करीबन 5 मिनट के लिए और हम ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए दोस्तों 5 मिनट बाद हमारा मसाला अच्छी तरीके से अरबी के अंदर मिक्स हो चुका है और हमारी अरबी का सारा पानी जल चुका है। ये देखिए दोस्तों हमारी अरबी बनकर तैयार है मसाला अरबी। दोस्तों अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।